मैनपुरी में थाना किसनी पुलिस व एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये शातिर चोर गिरोह लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसकी कार्रवाई के चलते पुलिस ने दो अभियुक्तों को माल सहित गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने अपने नाम लवकुश पुत्र आदेश निवासी ग्राम ककरौली थाना करैल कन्हैया उर्फ ऋषभ और पुत्र चंद्रगढ़ बताया है। इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 6 डेल के लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, 1 तमंचा बरामद किया है। एक साथी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, वहीं तलाशी की जा रही है और लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी विनोद कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर टीम गठित की गई, जिसकी कार्रवाई के चलते थाना किशनी पुलिस व एसओजी टीम ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने दो साथी चोरों को गिरफ्तार किया है, क्या हुआ? देखिए, हमारे इंस्पेक्टर किशनी और हमारे एसओजी प्रभारी और की पूरी टीम ने संयुक्त रूप से दो चोरों को पकड़ा है। इसमें एक लवकुश कैरावली थाना करहल का रहने वाला है, दूसरा कन्हैया और ऋषभ है, ये भी कैरावली थाना करहल का रहने वाला है। इनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें, 6 लैपटॉप, 2 चोरी के मोबाइल और असलाह कारतूस बरामद हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये शातिर किस्म के अपराधी हैं और इसमें दोनों पर एक एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं और इसमें एक जो इनका और साथी है कुलदीप, ये भी इसमें वांछित है, ये भी इस चोरी में इसके साथ शामिल रहा है, उसको अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एक बड़ा ये गैंग है जो जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये चोरी करता था। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो कुछ इनके मुकदमे फिरोजाबाद में भी पंजीकृत हैं। इसमें जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं वो दो थाना घिरोर से चोरी हुई थी, जहां पर इनके मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके साथ एक मोटरसाइकिल इन्होंने सफाई से चोरी की थी और इनके जो लैपटॉप हैं और मोबाइल हैं जो बरामद हुए हैं उनके बारे में कहां से इन्होंने चोरी की है, तो इनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है।